अपने बालों को कलर कराने का, हाईलाइट कराने का बहुत ज्यादा ट्रेंड है और बहुत सारे लोग अपने बालों को कलर कराते हैं, ब्लीच कराते हैं और हाईलाइट कराते हैं। लेकिन आपको पता है कलर आपके बालों को बहुत ज्यादा डैमेज करता है, और मैंने कभी भी कलर का यूज नहीं किया है। लेकिन मैं अपने बालों को ना थोड़ा सा हाईलाइट कराना चाह रही थी, तो मैंने क्या किया कि मैंने नेचुरल कलर का यूज किया। मैंने इंटरनेट पे बहुत सर्च किया और मुझे पता चला कि किन किन चीजों का कॉम्बिनेशन यूज करने से आपके बाल कलर हो सकते हैं। लेकिन देखिए, नेचुरल चीजें हैं तो थोड़ा सा कंटिन्यू यूज करने से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने नेचुरल कलर अपने बालों में इस्तेमाल किया और जो भी मुझे रिजल्ट दिखा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही साथ ये जो नेचुरल कलर है इसका इस्तेमाल करने से आपके बाल थिक भी होंगे, ये आपके बालों को बहुत अच्छे से रिपेयर भी करता है और नरिश करता है आपके बालों को, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स नेचुरल कलर बनाना है, और इस नेचुरल कलर को बनाने के लिए जो जो भी इंग्रेडिएंट यूज होने हैं सारे नेचुरल हैं। ऑफ कोर्स ये नेचुरल कलर है तो सारे इंग्रेडिएंट नेचुरली होंगे। उसके साथ साथ ये जो इंग्रेडिएंट्स है ना सब आपके बालों के लिए बहुत अच्छे होंगे। ये आपके बालों को बहुत सारे और भी बेनिफिट देते हैं आपके बालों को कलर करने के अलावा, ठीक है। तो देखिए, इस नेचुरल हेयर कलर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको कत्था पाउडर चाहिए। आपको अच्छी क्वालिटी का प्योर कत्था पाउडर चाहिए। कत्था पाउडर आपके बालों को बहुत अच्छे से कलर करने का काम करता है, साथ ही साथ ये आपके हेयर फॉलिकल्स को बहुत अच्छे से नरिश करता है, आपके डैमेज बालों को रिपेयर करता है, हेयर लॉसेस स्टॉप करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पे 5-6 चम्मच के बराबर मैं कत्था पाउडर का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो आप कत्था पाउडर ले लीजिए। नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट है हमारा कासिया। कासिया भी आपके बालों को बहुत अच्छे से रिपेयर करने का काम करता है और ये बहुत ही अच्छा सा कलर भी देता है आपके बालों को। तो यहाँ पे देखिए, कत्था भी आपके बालों को डाई करने का काम करता है और कासिया भी आपके बालों को डाई करने का काम करती है। साथ ही आपके बालों को थिक करने का काम करती है, डैमेज बालों को रिपेयर करने में कासिया बेस्ट होती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कासिया का भी इस्तेमाल किया, 3-4 चम्मच के बराबर। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट है वो है हमारा हीना यानी मेहंदी। तो आप यहाँ पे कोई भी मेहंदी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपकी फेवरेट हो। मेरी नूपुर मेहंदी फेवरेट है लेकिन मेरे पास अभी है नहीं, तो यहाँ पे मैं 2 तरीके की मेहंदी यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए आपको कलर में डिफरेंस भी दिख रहा होगा। ये भी मैंने मेहंदी ही ऐड की है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा भृंगराज। भृंगराज भी आपके बालों को कलर करने का काम करता है, ये आपके बालों को ब्लैक कलर देता है। लेकिन जब आप भृंगराज को इन सारी चीज़ों के साथ कंबाइन करेंगे तो इसका कलर गहरा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ब्रह्मी पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ब्रह्मी पाउडर हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर रिग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। अब देखिए, यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने ऐड कर लिया है, थोड़ा सा कत्था पाउडर मैंने और ऐड किया था। अब इसमें आपको गुनगुने पानी से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पानी ऐड करना है, बहुत एकदम बॉइलिंग वाटर नहीं होना चाहिए लेकिन गर्म होना चाहिए ताकि ये सारी चीज़ें अपना कलर रिलीज़ कर पाएँ। अगर आप ठंडे पानी में इसको भिगोएंगे तो ये कलर अपना रिलीज़ नहीं कर पाएंगी और उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया है, भिगो के मैं रात भर के लिए छोड़ने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए, ये रात भर मैंने इसको छोड़ दिया है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। देखिए, ये बहुत ही अच्छा सा नेचुरल हेयर कलर हमारा बन के तैयार हो गया है और ये देखिए जेल जैसा लग रहा है। तो इसमें आप कासिया ऐड करेंगे ना तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी हो जाती है, लेकिन कासिया हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है और हमारे बालों को डाई करने का भी काम करती है। पहले मैं आप लोगों को बाल दिखा देती हूँ अपना। देखिए, ये मेरे बाल हैं। इसको लगाने से पहले तो मेरे बालों में आपको कोई कलर वगैरह नहीं दिख रहा होगा, मेरे बाल आपको ब्लैक दिख रहे हैं ना, तो मेरे बाल ब्लैक हैं। और हाँ, जब भी आप हेयर कलर लगा रहे हैं तो आप अपने बालों को अच्छे से क्लीन कर लीजिए ताकि ऑयल या फिर कुछ भी आपके बालों में ना हो, आपके बाल एकदम साफ सुथरे हों, ठीक है। अब क्या करना है कि आप अपने हाथों में ग्लव्स भी लगा लीजिए, अदरवाइज आपके हाथ में पूरा कलर लग जाएगा। अब क्या करना है कि इसको अच्छे से मैं अपने स्कैल्प में लगाऊंगी, इसको मैं अपने स्कैल्प में भी लगाऊंगी और पूरे बालों में लगाऊंगी, ठीक है। तो स्कैल्प में लगाने से क्या फ़ायदा होता है कि जो जो भी चीज़ें इसमें मैंने ऐड की है ना वो आपके स्कैल्प को भी हेल्दी बनाता है। ये आपके हेयर फॉलिकल्स को बहुत अच्छे से नरिश करता है और आपके बालों की जड़ों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। तो इसको आपके बालों की जड़ों तक पहुँचना भी ज़रूरी है, तो इसको अच्छे से अपने स्कैल्प में भी लगाइएगा। और साथ ही साथ ये आपके स्कैल्प से डैंड्रफ को ट्रीट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसको अच्छे से अपने पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों में लगाइएगा। ये पूरी तरीके से नेचुरल है और आपको सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा देगा, ठीक है।
तो इसको पूरा अच्छे से अपने स्कैल्प में लगा लीजिए, और बालों में भी अच्छे से लगाना है जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ, ठीक है। तो इसको लगा के आपके पास जितना टाइम हो, इसको जितना देर रखेंगे आप उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसको मैं 5 घंटे के लिए छोड़ूंगी। 5 घंटे इस्तेमाल करने के बाद ये देखिए आपको मेरे बाल हाईलाइटेड दिख रहे होंगे। हालांकि जैसे केमिकल वाला कलर का जो इफेक्ट होता है वैसा इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन आप मेरे बालों में हाईलाइट देख सकते हैं। और अगर आप मेरे बाल धूप में देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। और शाइन देखिए आप मेरे बालों में कितनी ज़्यादा शाइन आ गई है। और ये देखिए आपको मेरे बाल हाईलाइटेड दिख रहे होंगे। तो इसको लगाने के बाद ना बाल बहुत अच्छे से हाईलाइट भी हो गए थे और बाल बहुत ज़्यादा शाइनी हो गए थे। और शाइन आपको मेरे बालों में दिख रही होगी। हालांकि अभी मेरे पास इतनी अच्छी लाइटिंग वगैरह नहीं है, तो जो नेचुरल लाइट है उसी में मैं आप लोगों को अपने बाल दिखा रही हूँ। तो आप समझ सकते हैं मेरे पास लाइट की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, फिर भी आपको मेरे बाल अच्छे खासे शाइनी दिख रहे हैं। तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगी कि आप इसी तरीके से बनाइए इस हेयर मास्क को, इस हेयर कलर को, और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ। ये ना आपके बालों को बहुत अच्छे से कलर देता है, साथ ही साथ ये आपके बालों को रिपेयर करता है। ये देखिए कितनी कितने हाईलाइटेड मेरे बाल अभी आपको दिख रहे होंगे, है ना। तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है और मैं इसको यूज़ भी करने वाली हूँ कई दफ़ा। फिर उसके बाद मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, लेकिन आपको हाईलाइट मेरे बालों में दिख रहा होगा। तो इसको लगाने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और पता है आपको, मेरे बालों की थिकनेस और वॉल्यूम इससे काफ़ी अच्छी खासी हो गई थी। ये जो हेयर कलर है इस तरीके से बना के पहली बार मैंने यूज किया और मुझे मेरे बालों में बहुत कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं दिखा। लेकिन हाँ, मेरे बाल मुझे छूने में थोड़े से थिक लग रहे हैं। ये जो कासिया हर्ब होती है ये आपके बालों को थिक बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, लेकिन इसका इस्तेमाल आपको 20 दिन में एक ही बार करना चाहिए। और मैंने इसमें सिर्फ कासिया इस्तेमाल नहीं किया है, और भी इंग्रीडियंट कंबाइन किए हैं इसके साथ साथ। तो रिजल्ट है ना वो बहुत ज्यादा विजिबल नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा मोड़ा जरूर मुझे मेरे बालों में फर्क दिखा। मेरे बाल थोड़े से हाईलाइटेड लग रहे हैं। अगर आप धूप में देखते हैं ना तो ज्यादा समझ में आता है, ऐसे आप छांव में देखेंगे तो उतना ज्यादा समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आप धूप में या फिर अच्छी लाइटिंग में अपने बाल देखेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। लेकिन हाँ, इसका जो रिजल्ट है ना वो मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि बाल छूने में काफी सॉफ्ट लग रहे हैं और बाल थोड़े से ठीक लग रहे हैं। मतलब जो वॉल्यूम है हेयर का वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। अच्छा, जो हीना की क्वालिटी होती है ना वो भी काफी डिपेंड करती है। जो मैंने हीना इसमें इस्तेमाल किया था वो ऐसे ही कोई हीना थी, कोई बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन जब भी मैं नूपुर हीना का यूज करती हूँ तो उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसका कलर जो होता है ना वो बालों में काफी विजिबल होता है। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो आप नूपुर हीना के साथ इस्तेमाल करिएगा। नूपुर हीना का मैं इस्तेमाल हमेशा करती हूँ, लेकिन इस बार मेरे पास थी नहीं तो मैंने जो भी मेरे पास थी मैंने उसको इस्तेमाल कर लिया। साथ ही साथ इस हेयर कलर को बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट का यूज किया है मैंने, सारे नेचुरल हैं और सारे आपके बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आप 2-4 बार यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर अपने बालों में दिखेगा, क्योंकि नेचुरल चीजें हैं, सिर्फ एक ही बार में रिजल्ट नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।